राजस्थान की सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली सिटीज में से एक है जोधपुर, और उसी जोधपुर के सबसे शानदार महलों में से एक है उमैद भवन पैलेस। उमैद भवन पैलेस जो कि इंडिया का सबसे यंगेस्ट पैलेस माना जाता है, वो एंशिएंट एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। हर साल जो भी टूरिस्ट जोधपुर घूमने आते हैं वह उमैद भवन पैलेस जरूर घूमते हैं, जहां जाके उन्हें पता चलती है जोधपुर की हिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उमैद भवन पैलेस के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद घंटे के निशान के साथ दबा सकते हैं आप ऑल नोटिफिकेशन। नंबर एक, यंगेस्ट पैलेस ऑफ इंडिया। देखिए, अभी हम उमैद भवन पैलेस में हैं। ये उमैद भवन पैलेस इंडिया में यंगेस्ट पैलेस है। रीजन कि 1943 में बनके तैयार हुआ था और 1947 में हमको आजादी मिली थी, तो इन 43 और 47 के बीच में कोई पैलेस इंडिया में नहीं बना था, तो ये क्रेडिट जाता है इस उमैद भवन पैलेस को कि यंगेस्ट पैलेस है। ये महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा उमैद भवन पैलेस। उमैद भवन पैलेस भारत का सबसे यंगेस्ट पैलेस माना जाता है, क्योंकि जब ये पैलेस बनके तैयार हुआ था वो समय था 1943 का, और भारत को आजादी मिली 1947 में, और 1943 और 47 के बीच में भारत में और कोई ऐसा पैलेस बनके तैयार नहीं हुआ, इसलिए उमैद भवन पैलेस है भारत का यंगेस्ट पैलेस। नंबर दो, 15 साल। 1929 के अंदर जोधपुर में अकाल पड़ गया था, ड्रॉट हो गया था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। कहते हैं इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि लोगों ने पेड़ की शेल जो छाल दिखाई देती है उसको कुचर के उसका पीस के पाउडर बनाया, उसकी रोटियां बना के खाई। इतना टफ टाइम यहाँ के लोगों ने देखा मारवाड़ के अंदर। राजा बहुत काइंड थे, महाराजा उमेद सिंह, उन्हें लगा कि मुझे जोधपुर के लोगों को रोजगार देना चाहिए, यानी कुछ फेमिन वर्क करना चाहिए। तो ये बिल्डिंग फेमिन वर्क में बनी हुई है जो 1929 से बनके 1943 में बनके तैयार हुई थी। इन लगभग 15 साल के अंदर 3000 कारीगर दिन और रात में काम किया करते थे। उमैद भवन पैलेस को बनने में लगे 15 साल, जिसका निर्माण शुरू हुआ 1929 के अंदर, जब जोधपुर में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, और यहाँ के राजा ने यह महल बनवाया ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपना पेट भर सके, तब जाके 1943 में उमैद भवन पैलेस तैयार हुआ। नंबर तीन, दी आर्किटेक्ट। उस जमाने में हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, तो उस जमाने का फेमस आर्किटेक्ट का नाम था हेनरी लैंकास्टर। महाराजा ने उसको अपॉइंट किया एज ए चीफ आर्किटेक्ट। उसने इंग्लैंड में बैठ के काम किया, नक्शा बनाया इस बिल्डिंग का जो कि कॉलोनियल डिजाइन है, इंग्लिश डिजाइन है, और इसका एक मॉडल बनाया लकड़ी का जो आज भी अंदर सुरक्षित पड़ा। जिस आर्किटेक्ट ने उमैद भवन पैलेस का निर्माण किया, उस आर्किटेक्ट का नाम था हेनरी लैंकास्टर। उन्होंने उमैद भवन का निर्माण के साथ साथ उमैद भवन का एक छोटा मिनिएचर मॉडल भी बनाया था, जो आप आज के दिन भी उमैद भवन के म्यूजियम में रखा देख सकते हैं। कहते हैं ये छोटा मॉडल उमैद भवन की हूबहू नकल है। नंबर चार, दी मार्बल। अभी आया कैसे बनाया जाए, किस पत्थर से बनाया जाए, तो पहले ये आइडिया आया था कि इसको मार्बल से बनाया जाए, मगर मार्बल उस जमाने में जोधपुर में नहीं निकलता था। मकराना एक टाउन है जो कि जयपुर महाराजा के अधीन आता था, तो जोधपुर के राजा को लगा कि अगर मैं मकराना से स्टोन मंगाऊंगा तो जयपुर डायनेस्टी को फायदा होगा, वहाँ के लोगों को फायदा होगा, मेरे जोधपुर के लोगों को क्या फायदा हुआ। तो ये सोच के उसने आइडिया कैंसिल करके लोकल सैंड स्टोन से बनाया। जैसा कि आपको पता है कि दो तरह के लोकल सैंड स्टोन है, एक तो ये पिंक कलर का लोकल सैंड स्टोन जो कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें सिलिका ज्यादा है इसलिए इसका कलर पिंक है, और दूसरा रेड कलर की जो बिल्डिंग आपने कई जगह देखी है वो भी सैंड स्टोन है, सेडिमेंटरी रॉक है, लेकिन उसमें आयरन पिगमेंट ज्यादा है, उसकी लाइफ कम होती है इस सैंड स्टोन से। उमैद भवन पैलेस जिस पत्थर या फिर मार्बल से बना है, वह मार्बल जयपुर के मकराना से नहीं बल्कि जोधपुर के लोकल पत्थर से बना है, जो कि उस समय दो तरीके के होते थे, एक पिंक स्टोन और एक रेड स्टोन। जोधपुर के आम घर आपको रेड सैंडस्टोन से बने हुए दिखेंगे, और उमैद भवन पैलेस बना है पिंक सैंडस्टोन से। नंबर पाँच, थर्मल इफेक्ट। और एक खास चीज नई बनी थी, वो ये बनी, ये जो पत्थर का बना हुआ है, इस पत्थर का ऊपर से दिख रहा है लेकिन अंदर इसके अंदर पीओपी की हुई है, एक सर्टेन गैप के अंदर, 4 या 5 फीट के गैप के अंदर, तो इसमें थर्मस इफेक्ट आता है। आप देखिए बाहर के टेम्परेचर में और अंदर, जैसे बिल्डिंग में अंदर आए तो ये अंदर में टेम्परेचर फर्क आता है, क्योंकि थर्मस इफेक्ट इसके अंदर होता है। और ये पूरी बिल्डिंग एयर कंडीशन थी, उस जमाने में एयर कंडीशनिंग शुरू हो गया था और ये इंग्लैंड से एयर कंडीशन आया। उमैद भवन की पूरी बिल्डिंग एक एयर कंडीशन बिल्डिंग है, जो कि 1943 में ही एयर कंडीशन बना दी गई थी। इसी के साथ साथ इस बिल्डिंग की दीवारों में एक थर्मल इफेक्ट दे रखा है, जिससे कि बाहर के टेम्परेचर से बिल्डिंग के अंदर के टेम्परेचर को फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कि अगर बाहर बेहद गर्मी भी है तो भी उमैद भवन की बिल्डिंग हमेशा ठंडी रहेगी। नंबर छह, डबल प्राइस। अभी जब बनके तैयार हुआ था इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, उस जमाने के अंदर इंडिया में तो कुछ बनता नहीं था, सब कुछ या तो जर्मनी से इम्पोर्ट होता था या फिर जो है इंग्लैंड से इम्पोर्ट होता था। तो महाराजा इंग्लिश लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ इंग्लैंड से सब कुछ सामान मंगाया। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हुआ, ये सब सामान इंग्लैंड से आ रहा था, तो जब शिप में भर के आ रहा था उस शिप के ऊपर इंग्लिश फ्लैग लगा था, यूनियन जैक लगा हुआ था, और याद करिए कि 1942 में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो जर्मन लोगों ने उसको डुबा दिया। तो वो शिप जब डूब गया तो वापस दूसरा शिप इंग्लैंड से भर के आया, और इसमें सारा इंटीरियर डेकोरेशन के लिए काम में लिया गया, यानी कि महाराजा को डबल प्राइस देनी पड़ी इसमें सामान की।
उमैद भवन को बनने में जो जो सामान लगा है वो सब सामान उस समय के राजा ने इंग्लैंड से इंपोर्ट कराया था, और जिस शिप में वो सामान इंग्लैंड से इंडिया आ रहा था वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी वालों ने डुबा दिया था, जिस वजह से जोधपुर के महाराजा को दूसरा शिप इंग्लैंड से मंगवाना पड़ा और इस तरीके से इस महल के सामान के लिए उन्होंने डबल प्राइस पे किया। नंबर 7, द मीटिंग। ये एक ऐतिहासिक मीटिंग जोधपुर के मंडोर गार्डन की ठीक आजादी से पहले 1947 में, जब ये सभी लोग, ये सारे पॉलिटिशियंस आजाद होने से पहले जोधपुर महाराजा से मिलने के लिए आए और महाराजा को कन्विंस किया कि सर देश आजाद होने के बाद में आप इंडिया में रहे पाकिस्तान से ना मिले, चूंकि पाकिस्तान बहुत नजदीक था हमारे से और ये हर राजाओं की चॉइस थी, किसी से मिल सकता था। तो राजा एक्सेप्ट कर गए महाराजा उमेश सिंह की, नहीं मैं इंडिया के साथ ही रहूंगा। 1947 में आजादी के समय हर राजा को हक था कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए या फिर भारत के साथ, इसलिए उस समय महाराजा उमेश सिंह जी से मिलने नेहरू जी आए और उन्हें कन्विंस किया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि इंडिया के साथ जुड़े रहे। इस मीटिंग की तस्वीरें आप उमैद भवन में लगे म्यूजियम में भी देख सकते हैं। नंबर 8, द वाइफ ऑफ महाराजा। जो कि इनकी वाइफ थी वो इनसे टॉलर थी, ये महाराजा उमेश सिंह से शॉर्ट हार्ट में थे। महाराजा उमेश सिंह की वाइफ कोई प्रिंसेस नहीं थी, ये सिंपल गांव की एक लड़की थी, जोधपुर के पास में 45 किलोमीटर दूर एक जगह है ओसिया, उस ओसिया गांव की एक लड़की थी जिससे उन्होंने शादी करी थी, उन्हें पसंद आया उनसे शादी करी। कहते हैं महाराजा उमेश सिंह जी की वाइफ किसी राज्य की राजकुमारी नहीं बल्कि एक आम नागरिक थी जिससे महाराजा उमेश सिंह जी ने शादी की, और उमेश सिंह जी की वाइफ हाइट में उनसे लंबी भी थी। नंबर 9, द लास्ट रूलर ऑफ जोधपुर। और इन चार बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा दिखाई दे रहा है वो महाराजा उमेश सिंह की डेथ के बाद में यहाँ का राजा बना था। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हुआ कि महाराजा उमेश सिंह जी की डेथ 1947 जून में हो गई थी और आजादी हमें अगस्त में मिली थी, ठीक 2 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी आजादी होने के बाद में। तो प्रेजेंट राजा अगस्त सिंह जी के फादर, यानी कि जो बीच में बच्चा दिखाई दे रहा ना, इनका नाम है महाराजा हनुमत सिंह, ये राजा बने, चूंकि बड़ा बेटा हमेशा राजा बनता है, ये राजा बन गए थे। और ये बनने के बाद में इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा पाकिस्तान की तरफ था कि मैं पाकिस्तान से मिल जाऊं, लेकिन सरदार पटेल का इन्फोर्समेंट रहा और अल्टीमेटली ही एक्सेप्टेड टू इन्वॉल्व विद द इंडिया। महाराजा उमेश सिंह जी की मौत के बाद, जो कि हुई थी 1947 में, उनके बेटे हनवंत सिंह जी जोधपुर के राजा बने। हालांकि 1947 जून में महाराजा उमेश सिंह जी की डेथ हुई और 1947 अगस्त में भारत को आजादी मिली, इसलिए राजा हनवंत सिंह जी जोधपुर के आखिरी राजा रहे जिनका राज्य सिर्फ 2 महीने चला, जिसके बाद भारत को आजादी मिल गई और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। नंबर 10, वर्क बाय महाराजा। नीचे देखिए कि रिजर्वायर नजर आ रहा है, पानी का बांध नजर आ रहा है। ये जोधपुर की जनता को उस जमाने में बहुत पानी की स्कैरसिटी थी, तो महाराजा उमेश सिंह ने, बिकॉज ही वाज वेरी काइंड महाराजा, तो उन्होंने रिजर्वायर पाली के अंदर एक जगह जवाई बांध, वहां पे इन्होंने ये बांध बनाया था जो कि जोधपुर को पानी सप्लाई किया करता था। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो सारा जो है राजस्थान कैनाल से पानी हमारे घरों में आता है। और ये पास में देखिए मेडिकल कैंपिंग गांव का सीन नजर आ रहा है, उस जमाने मेडिकल कैंपिंग भी महाराजा करवाया करते थे। महाराजा उमेश सिंह जी ने अपने समय में जोधपुर के डेवलपमेंट के लिए काफी सारे काम किए थे, उन्होंने जोधपुर में हॉस्पिटल बनवाए, डैम बनवाए और काफी सारे मेडिकल कैंप लगवाए। इन सब चीजों की फोटोग्राफ आपको उमेश भवन के म्यूजियम में आज भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 11, द वुडन मॉडल। अब आगे चलिए, देखिए लकड़ी का मॉडल कांच के बॉक्स के अंदर पड़ा है, इसके अंदर आप देखिए ये 3 पार्ट के अंदर है, जिस 347 रूम मैंने बताया था आपके इसके अंदर बने हुए, 347 कमरे, इनमें से देखिए 4 बुर्ज बने हुए हैं, टॉवर बने हुए हैं, 4 टॉवर बने हुए ऊंचाई के अंदर। ये एक्चुअली टॉवर की खूबसूरती के लिए नहीं, पानी की सप्लाई के लिए, पूरे पैलेस के अंदर इससे वाटर सप्लाई होती है, इसके नीचे वेल बने हुए और वेल से पानी ऊपर जाता है और पूरे वाटर सप्लाई पैलेस के अंदर होती है। लेफ्ट हैंड साइड के जो 2 टॉवर दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो एक प्रीमाइसेस नजर आ रहा है, ये प्रीमाइसेस 40 कमरों का प्रीमाइसेस, राजा इसमें अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। ये सिर्फ 4 कमरे जो है हम म्यूजियम में देख सकते हैं, बाकी 303 रूम्स जो है सब होटल के पास में है, जो कि ताज होटल और महाराजा का एलायंस से चलता है। उमेश भवन के म्यूजियम के अंदर आप आज भी एक वुडन मॉडल रखा देखेंगे जो कि उमेश भवन की हूबहू नकल मानी जाती है। उमेश भवन में कुल 347 रूम्स हैं और इसके चारों तरफ 4 टावर खड़े हैं जो कि पूरे भवन में वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उमेश भवन का एक हिस्सा आज के प्रेजेंट राजा और उनकी फैमिली यूज करती है और इसका मैक्सिमम हिस्सा ताज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी उमेश भवन में आपको एक हिस्सा मिलेगा जहां पर आप यहां का म्यूजियम घूम सकते हैं और वही घूमते समय आप देख सकते हैं पूरा उमेश भवन। नंबर 12, द कॉस्ट। अब ये बन के कितने में तैयार होगा आप अंदाज लगा सकते हैं? ये सिर्फ 94,01,000 रुपीस समथिंग में तैयार हो गया था, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी कम में बन के तैयार हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंटेड है। उमेश भवन को बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट उस समय लगी थी वो थी 94,51,000 रुपीस। जी हाँ, सिर्फ 94,51,000 में 1943 में ये भवन बन के तैयार हो चुका था। नंबर 13, रॉयल मैरिजेस। ये फोटो जो है उमेश पैलेस का पीछे की साइड का फोटो है, जहाँ बहुत बड़ा गार्डन है, जहाँ इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत बड़ी शादियां, रॉयल शादियां वगैरह होती रहती है, सब पीछे की साइड में होती थी, और ये पूरा 303 कमरे हायर कर देते हैं। उमेश भवन के एट प्रेजेंट 303 रूम ताज होटल ने एक्वायर कर लिए हैं और वह एक होटल में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, और इसी उमेश भवन में आज के समय होती है भारत की सबसे रॉयल मैरिजेस, जिसके लिए उमेश भवन के बैकयार्ड में एक रॉयल गार्डन भी दे रखा है, और शादी के समय इस भवन के सारे 303 रूम ऑक्यूपाई
प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर 14 महारानी स्वीट्स। इस होटल में यू कैन सरप्राइज, ये जो आप जो रूम देख रहे हैं, बाथरूम का सीन जो देख रहे हैं आप, ये महारानी स्वीट का बाथरूम है और ये उसका किराया 5.5 लाख रुपए एक दिन का है, प्लस GST अलग है। और महाराजा स्वीट इससे सस्ता वो 4.5 लाख रुपए का है, क्योंकि महारानी हमेशा महंगी होती है, लेडीज आर वेरी एक्सपेंसिव ऑलवेज, सो दैट इज व्हाई द महारानी स्वीट इज एक्सपेंसिव रादर देन द महाराजा स्वीट। उमैद भवन के इस होटल में आपको 2 स्वीट्स हायर करने को मिलेंगे, एक है महारानी स्वीट्स, एक है महाराजा स्वीट। महारानी स्वीट की कॉस्ट है तकरीबन 5.5 लाख रुपए पर डे प्लस GST और महाराजा स्वीट की कॉस्ट है 4.5 लाख रुपए पर डे प्लस GST। ऐसा इसलिए क्योंकि महारानी स्वीट उमैद भवन का सबसे रॉयल स्वीट रूम बनवाया गया है। नंबर 15 द पॉलिश आर्टिस्ट। ये एक पेंटर था जो कि इंग्लिश नहीं था, ही वाज पॉलिश, पोलैंड का रहने वाला था, उसने ये सारी म्यूरल्स बनाई थी। ये देखिए आप ऊपर की तरफ देखिए तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड के अंदर हॉल के अंदर, तो लेफ्ट साइड के अंदर आपको बैकग्राउंड के अंदर फोर्ट नजर आएगा और राइट हैंड साइड के अंदर सेनाएं जो खड़ी वो हिंदू सेना है, जिसका सेनापति एक दाढ़ी वाला है वो दुर्गादास राठौड़ है, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सारी मुगल सेना है। ये 18th अर्ली सेंचुरी की बात है, ये मुगलों से इन्होंने रिकैप्चर वापस फोर्ट किया था, उस वक्त का वॉर है। और ये गेट आपने फोर्ट के अंदर देखा होगा जो कि मैंने आपको बताया था फतेहपुर, वो उसी की याद बना था, चूंकि ये बैटल हिंदू लोग जीत गए थे, इस फोर्ट को वापस रिकॉन्क्वर कर लिया था। पॉलिश आर्टिस्ट, उस पॉलिश आर्टिस्ट का नाम स्टीफन नॉर्बलिन था। उमैद भवन के म्यूजियम विजिट करते समय आपको वहाँ के रूफ सीलिंग में एक पेंटिंग बनी दिखेगी जिसमें जोधपुर की सेना और मुगलों की सेना आपस में भिड़ती नजर आएगी। ये पेंटिंग बनाई थी एक पॉलिश आर्टिस्ट स्टीफन नॉर्बलिन ने, जिसने जोधपुर के राजा की मुगलों पर जीत को एक पेंटिंग में दर्शाया था। उमैद भवन में आगे बढ़कर और भी पेंटिंग्स हैं जो कि इस आर्टिस्ट ने बनाई है। नंबर 16 द हंटर। अच्छा अब देखिए सामने नजर आ रहा है आपको, देखिए लेपर्ड्स नजर आ रहे हैं आपके, देखिए घुसते देखिए कांच के पीछे, ये लेपर्ड्स अब तो डिसअपीयर हो गए, मोदी जी अब तो फॉरेन से इंपोर्ट किए हैं, उस जमाने में लेपर्ड लायन टाइगर बहुत सारे सभी राजाओं ने मार के इनको खत्म कर दिया। ये लेपर्ड महाराजा उमेश सिंह ने और उनकी बेटी, जैसे बताया था ना जिसकी बड़ौदा इजाने से शादी हुई थी महाराजा उमेश सिंह की बेटी की, वो और महाराजा उमेश सिंह बहुत अच्छे हंटर थे, तो उन्होंने हंट कर रखा। ये स्किन इनकी ओरिजिनल है, इसके अंदर भूसा भर के रखा हुआ है। जोधपुर के उमैद भवन म्यूजियम में आपको चीते और पैंथर की प्रतिमा रखी मिलेगी। कहते हैं कि उस समय महाराजा उमैद सिंह जी एक बहुत बड़े शिकारी थे जिन्होंने पैंथर और चीते का शिकार किया था, और उस समय उनके शिकार की खाल में भूसा भर के उसका आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर आज भी उमैद भवन के म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 17 पार्शियल पैरालिसिस। अब उसे नेक्स्ट ये देखिए, ये 5 लोग खड़े हैं, इसमें बीच में तो प्रेजेंट महाराजा अगस्त सिंह जी है और चार तरफ इनके प्लेयर्स हैं, पोलो प्लेयर्स हैं। महाराजा उमेश सिंह और इनके बेटे अच्छे पोलो प्लेयर हैं। जस्ट राइट हैंड साइड में महाराजा उमेश सिंह जी के इनके बेटे हैं शिवराज सिंह, जो खुद अच्छे पोलो प्लेयर है, बट अनफॉर्चुनेटली आज से 15 साल पहले ये हॉर्स से गिर के इंजर्ड हो गए थे और इनको पार्शियल पैरालिसिस हो गया था, पार्शियल पैरालिसिस। महाराजा उमेश सिंह जी के एक बेटे हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह। कहते हैं कि वो अपने जमाने के एक बहुत ही अच्छे पोलो प्लेयर रहा करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में वह घोड़े से गिर गए जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पार्शियल पैरालिसिस हो गया। नंबर 18 रॉयल लैम्प पोस्ट। ओके अब इस गैलरी में आप देखिए राइट हैंड साइड के अंदर ये लैम्प पोस्ट पड़े हैं। दीज ऑल आर मेड विद द सिल्वर एंड दे वर प्लेस्ड ऑन द मेन एंट्रेंसेस ऑफ द गेट, बट दे वर ऑल मेड विद द सिल्वर, दैट्स व्हाई दे वर ऑल स्टॉलन, सो दे रिमूव्ड फ्रॉम देयर एंड दे प्लेस्ड ओवर हियर, एंड दीज वर यूज्ड आल्सो ऑन द विक्टोरियास। ये सब ऑयल लैम्प से चलते थे। उमैद भवन के म्यूजियम के अंदर आपको आज भी एक लैम्प पोस्ट रखे मिलेंगे जो कि पूरे चांदी से बनाए गए हैं। कहते हैं उमैद भवन जब बना था तो ये लैम्प पोस्ट उमैद भवन के गेट पे लगाए गए थे, लेकिन वहाँ से कुछ लैम्प पोस्ट चोरी होने के बाद बचे हुए लैम्प पोस्ट को यहाँ के म्यूजियम में सजा दिया गया। नंबर 19 गोल्ड क्रॉकरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अलमीरा के अंदर कुछ क्रॉकरी पड़ी है जो कि चाइना क्ले की बनी हुई है, लेकिन इनके ऊपर सारा कुछ गोल्ड का काम किया हुआ, इस गोल्ड के काम के ऊपर इनके ऊपर राजा का एम्बलम भी लगा हुआ है। उमैद भवन म्यूजियम में आपको यहाँ की गोल्ड क्रॉकरी रखी हुई मिलेगी जिसको कहते हैं कि बनवाया गया है असली गोल्ड की प्लेटिंग से। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको राजाओं की छड़ी रखी मिलेगी जिसमें एक सीक्रेट वेपन छुपा होता था जो कि सिर्फ उस समय के राजा लोग इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 20 महाराजा डेथ। अब सामने देखिए लंबी सी एक टेबल पड़ी है जो कि डाइनिंग टेबल है, प्रेजेंट महाराजा उमेश सिंह की। महाराजा उमेश सिंह की डेथ 1947 जून में कैंसर से हुई थी, उनको पेट का कैंसर था, तो जब लास्ट बार जब उन्होंने खाना खाया था तब ये सारी क्रॉकरी यूज की थी, वो ऐसे साफ करने के बाद में रख दी गई है, वही टेबल वही चेयर है जो उन्होंने यूज की थी, और वही क्रॉकरी पड़ी है साफ करके, और एक मेन्यू कार्ड पड़ा जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ है, जो खाना खाया था वो सब कुछ फ्रेंच मेन्यू वहाँ पे लगा हुआ है। महाराजा उमेश सिंह जी का ध्यान कैंसर की वजह से 1947 में हुआ था। कहते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने जिस टेबल पे बैठ के खाना खाया था वह डाइनिंग टेबल आज भी उमैद भवन म्यूजियम में रखी है। उनकी इस्तेमाल की गई सारी क्रॉकरी और उनके ब्रेकफास्ट का मेन्यू कार्ड भी आपको उसी टेबल पे रखा मिलेगा। नंबर 21 ग्रामाफोन। उनकी एक खूबी थी, जब भी वो खाना खाया करते थे तो म्यूजिक सुना करते थे, तो राइट हैंड साइड देखिए बड़ा सा ग्रामोफोन जैसे बड़ा वॉशिंग मशीन जैसे लग रहा है, ये वॉशिंग मशीन नहीं है, ये ग्रामोफोन है जो कि हाथ से मैकेनाइज हुआ करता। महाराजा उमेश सिंह जी को खाते समय म्यूजिक सुनने की बहुत आदत थी, इसलिए उमैद भवन म्यूजियम में आपको एक वॉशिंग मशीन जैसा दिखने वाला ग्रामोफोन देखने को मिलेगा जो कि हैंड
मैकेनाइज ग्रामाफोन है जिसे महाराजा उमेश सिंह जी खाते समय सुना करते थे। नंबर 22 पोलो ट्रॉफी। अब राइट हैंड साइड में देखिए एक घोड़ा बना हुआ आर्टिफिशियल घोड़ा, ये कोई इसका कोई लॉजिक नहीं, लेकिन इसके जस्ट पीछे देखिए फोटो लगी हुई है उसमें एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड महाराजा उमेश सिंह की फोटो है जो अपनी टीम के साथ में पोलो खेला करते थे और बहुत अच्छे पोलो प्लेयर थे वो। उनकी ओरिजिनल स्टिक्स पड़ी है, बॉल पड़ी है, उनका हेड पड़ा है और देखिए वो सैडल पड़ा है उनका जो की सोने से वुवन है, गोल्ड से वुवन है और वो विक्टोरिया की स्टैचू लगी हुई खुश करने वो उमेश सिंह जी की फोटो है। सबको महाराजा उमेश सिंह ट्रॉफी जीत के लाए थे पोलो में, वो सारी वहाँ डिस्प्ले कर रखी है उसके पीछे। महाराजा उमेश सिंह जी एक बहुत ही उम्दा पोलो प्लेयर थे और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे पोलो गेम्स खेले और काफी सारी ट्रॉफीज जीती। उमेद भवन के म्यूजियम में एक सेक्शन सिर्फ महाराजा उमेद सिंह जी की पोलो खेलने की हॉबी और उनकी ट्रॉफीज को डेडिकेट किया गया है। नंबर 23 फ्रेंच परफ्यूम्स। ये देखिए लेफ्ट साइड के अंदर जो कपबोर्ड पड़ा है इसके जस्ट मुड़ते ही यहाँ पे देखिए कुछ औरतों की फोटो बनी हुई है कांच की बॉटल्स के अंदर। ये सब परफ्यूम बॉटल है, ये सारी फ्रांस से आती थी उस जमाने के अंदर और ये उस जमाने की फ्रांस की ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी इन परफ्यूम के लिए और दीज आर ऑल प्रोस्टिट्यूट्स उस जमाने की फेमस प्रोस्टिट्यूट्स जो पूरे यूरोप में इनकी डिमांड रहा करती थी। उमेद भवन म्यूजियम में आपको एक सेक्शन सिर्फ परफ्यूम्स का दिखेगा जिसमें पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग फ्रेंच से परफ्यूम इंपोर्ट कराया करते थे और ऐसा माना जाता है कि उस समय इन परफ्यूम्स की ब्रांड एम्बेसडर फ्रांस की फेमस प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करती थी। नंबर 24 फॉन्ड ऑफ मिरर्स। यहाँ पे देखिए कांच की कुर्सी पड़ी है, टेबल पड़ी है, ड्रेसिंग टेबल पड़ी है, ब्रश वगैरह पड़े है। महाराजा उमेश सिंह वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द मिरर, उनको मिरर का बड़ा शौक था, हर चीज मिरर की बनी थी, टेबल भी मिरर की बनी, चेयर भी मिरर की बनी और तो और इनका बेड भी मिरर का बना हुआ था। मतलब उनको मिरर से बहुत प्यार था, पता नहीं क्यों, रीजन मुझे नहीं पता, कि सब कुछ मिरर की बनी तो बेड तो लाके रखना पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, तो कई चीजें लाके मिरर की रखी जो कि महाराजा उमेश सिंह की निजी वस्तुएं हैं सारी कुछ। कहते हैं महाराजा उमेश सिंह जी को कांच का बड़ा शौक था यानी आईने का, इसलिए उनकी सारी चीजें शीशे की या फिर आईने की बनी होती थी, जैसे कि उनकी टेबल, चेयर, उनकी अलमीरा, यहाँ तक कि उनका बेड भी शीशे का बना था। नंबर 25 सिल्वर लॉक। देखिए हम लोग जब भी कोई मकान की ओपनिंग करते 1943 में जब इसकी ओपनिंग हुई थी इस बिल्डिंग की, तो इंग्लिश लोगों ने इसको डेकोरेट कर दिया और रिबन बांध दिए, तो राजा को बोला आप रिबन काट के अंदर गृह प्रवेश करो। राजा ने कहा नहीं, मैं गृह प्रवेश रिबन काट के नहीं करूंगा, मतलब कि कोई ओपनिंग अच्छे काम की काट के नहीं करूंगा। फिर एक चांदी का ताला मेन गेट पे लगा दिया गया, राजा ने चांदी की चाबी से खोला और गृह प्रवेश किया। देख कितना अच्छा आइडिया, कंस्ट्रक्टिव। 1943 में जब उमेद भवन का इनॉग्रेशन हुआ तब राजा उमेद सिंह जी ने कहा कि मैं रिबन काट के इस महल का इनॉग्रेशन नहीं करूंगा, क्योंकि किसी चीज को काटने से मैं इस महल की शुरुआत नहीं करूंगा। इसीलिए उस समय एक चांदी का ताला और चाबी बनवाया गया जिसे खोलकर महाराजा उमेश सिंह जी ने उमेद भवन का उद्घाटन किया। नंबर 26 किंग्स गिफ्ट। देखिए पुराने वक्त में जब भी राजा वगैरह या हर आदमी देखिए अप्रिशिएशन देता किसी न किसी को, चाहे मैं भी हूँ, मुझे आप अप्रिशिएशन देंगे इनको चीज का, तो उस जमाने में जब राजाओं को जिसने अच्छा काम किया था राजा के लिए कारीगर लोगों ने, मैशंस ने, उनको अवार्ड दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सोने की करनी, जो कोई कंस्ट्रक्शन में काम आती है ना करनी, वो सोने की करनी, ये पीतल की तगारी और ये चांदी का एल शेप का जो गज दिखाई दे रहा है, ये मेजरमेंट, ये तीनों चीजें राजा ने हर अच्छे इंसान को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, देयर वेरी फ्यू नॉट ऑल द 3000 पीपल, उनको गिफ्ट दिया गया था राजा के द्वारा। पुराने जमाने में जब राजाओं को अपने किसी कारीगर का काम पसंद आता था तो वो उन्हें तोहफे में सोने के इंस्ट्रूमेंट्स बना के देते थे। वह इंस्ट्रूमेंट्स आज भी आपको उमेद भवन के म्यूजियम में रखे मिलेंगे, जैसे एक सोने की करनी और एक इंजीनियर का मेजरमेंट टूल। इसी के साथ साथ आपको वहाँ पे कुछ मेडेलियंस रखे मिलेंगे, उस समय जब राजा से किसी को मिलना होता था तो वह ये मेडेलियन दिखाकर ही राजा से मिल सकता था। नंबर 27 ओरिएंटल रूम। नेक्स्ट रूम जो है इसको ओरिएंटल रूम कहते हैं, ये बड़ा खूबसूरत कमरा है। मीटिंग रूम तो फोर्ट में भी उस जमाने में था, लेकिन जब पैलेस बना था यहाँ भी मीटिंग रूम चाहिए, तो राजा डे टू डे ब्रीफिंग करते थे अपने मिनिस्टर्स को इस रूम के अंदर। इसका नाम पड़ा ओरिएंटल रूम। इस ओरिएंटल रूम को आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको कई चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो सामने देखिए लेफ्ट साइड में आपको चेयर जो नजर आ रही है, ये राजा की चेयर जो कि प्लेटफॉर्म पे पड़ी है। इसके राइट हैंड साइड में प्राइम मिनिस्टर बैठा करता था और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर चीफ ऑफ आर्मी यानी कि सेनापति बैठा करता था। उमेद भवन में इस समय भी आपको एक ओरिएंटल रूम देखने को मिलेगा। ओरिएंटल रूम उस जमाने का मीटिंग रूम माना जाता था। इस रूम में आपको पॉलिश आर्टिस्ट स्टीफन नॉर्बलिन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, जिन्होंने रामायण की कथा अपनी पेंटिंग्स में उतारी है। क्योंकि वो एक पॉलिश आर्टिस्ट थे इसलिए उन्होंने राम जी, सीता जी और बाकी रामायण के किरदारों को इंडियन रूप में नहीं दिखा पाए और वो किरदार इस पेंटिंग में देखने से यूरोपियन लगते हैं। इस विचित्र कलाकृति को आप उमेद भवन के म्यूजियम में आज भी देख सकते हैं। नंबर 28 सोवीनियर्स। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कलेक्शन नजर आएगा वॉचेस का और क्लॉक्स का। ये जितनी भी क्लॉक्स थी ये सारी क्लॉक्स महाराजा उमेश सिंह को या तो खरीदी हुई है और या फिर इनको गिफ्टेड है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर जाया करते थे अब्रॉड तो उनको सोवीनियर्स खरीदने का शौक, हर इंसान को था सोवीनियर्स खरीदने का। He was fond of the watches and clocks. उमेद भवन के महाराजा को सोवीनियर्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था और वह सोवीनियर में अलग अलग दुनिया के हर कोने से अलग अलग तरीके की घड़ियां लाकर कलेक्ट किया करते थे। उमेद भवन के इस म्यूजियम में आपको अलग अलग तरीके की क्लॉक आज भी रखी मिलेंगी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। तो ये थी हमारी उमेद भवन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और
यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई फैक्ट है जो हमसे छूट गया है तो हमारे कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताएं। हमने ऐसे ही जोधपुर की टॉप प्लेसेस टू विजिट की वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके साथ साथ जोधपुर की पूरी ट्रैवल गाइड की वीडियो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर जाके देखें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई है तो आप हमारी मेंबरशिप लेकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने हर कमेंट का जवाब जरूर दें। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारा लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं हर सैटरडे को। जी हाँ, हम एवरी सैटरडे एक लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम आपकी हर ट्रेवल क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करते हैं, या फिर आप डाउनलोड करें हमारी ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो बस इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें और हमसे कनेक्टेड रहें। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन